नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पहुंची है आंध्र प्रखंड के खेड़ाई पंचायत में। और जो खेड़ाई पंचायत के 5 साल तक मुखिया के पद पर विराजमान थे और 5 साल तक ईमानदारी पूर्वक लोगों के पास हर योजना को पहुंचाने का जो कार्य किए, उद्धव यादव जी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि अभी मुखिया प्रत्याशी बन चुके हैं क्योंकि चुनाव 24 अक्टूबर को ही है और 24 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज हो चुकी है। जनता भी जागरूक हो चुकी है, जनता भी अपने 24 तारीख का इंतजार कर रही है अपना बहुमूल्य कीमती वोट देने के लिए और सारे प्रत्याशियों का दौरा भी तेज हो चुका है। तो उसी क्रम में हम पहुंचे हैं खेराई पंचायत के एक छोटा सा बाजार है, उसी बाजार पे, और हमारी मुलाकात यहां के जो वर्तमान मुखिया थे 5 साल तक उद्धव यादव जी से हुई, जनसंपर्क के लिए निकले हुए थे। तो इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर लिए हैं और कौन से मुद्दा पे ये जनता के पास जाके वोट मांग रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। आपका चैनल का स्वागत है। 24 अक्टूबर 5 साल के बाद आया है, क्या लग रहा है 5 साल में जो आप कार्य किए हैं जनता उसकी प्राथमिकता देगी? देखिए, जो 5 साल हमको जनता मुखिया बनाई थी उसका प्राथमिकता हमको मिल रहा है इस काम पर कि पूरा हम अपने पंचायत में जितना भी वर्षों से सड़क नहीं बना था उस सड़क का हमने बनवाए हैं। हमारे पंचायत में 40 सड़क बनवाए हैं और जितना भी सरकार का योजना पंचायती राज विभाग के द्वारा आया है उस योजना को अपने धरातल पर अपने हर गांव में हम योजना को उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है पंचायती राज चुनाव, जैसे आप विकास दिखा रहे हैं, विकास हम किए हैं, जनता हमको वोट करे। तो पंचायती राज चुनाव में विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है लेकिन जाति और मजहब पर जाके खत्म होती है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं विकास के मुद्दा को लोग साइड करते जाते हैं। कुछ जनता ऐसी होती है जो लोभ लालच में आके गलत कैंडिडेट की ओर आकर्षित होती है और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जनता को जाति और धर्म में फंसाने का काम करते हैं और उस कंडीशन में जनता अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुन पाती है। उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए, जनता से मेरा यही अपील है, जात पात भेदभाव हटाकर और विकास का के मॉडल बनाकर हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जनता भी कह रही है कि नहीं, हमारा पंचायत में बहुत से काम हुआ है, उसी काम के आधार पर हमको जनता वोट दे रही है। एक चीज़ और, प्रत्याशी लोग 1 महीना मेहनत करते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं लेकिन लास्ट का जो 2 रात होती है ना वो क्यामत की रात मानी जाती है पंचायती राज चुनाव में, क्योंकि जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है और उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता और किसी का बना हुआ खेला बिगड़ जाता है 10% लोगों के चलते। तो उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए, हम जनता से यही अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि देखिए लोग भावना में मत जाइए, विकास पर जाइए, अपना काम पर जाइए। आप काम जो कहे हैं हम किए हैं, जो भी दारू शराब पैसा लोभ लालच देकर आपको वोट को छीन लेंगे तो आप पहले जैसा 5 साल पीछे चले जाइएगा। उसी से जनता से हम यह आवेदन कर रहे हैं, वो लोग हमको कह रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं लेंगे, लेकर के भी आपको वोट देंगे। तो जैसा कि आपका जब नामांकन हुआ था उसमें बहुत सारे भीड़ देखा गया था, बहुत धूमधाम से नामांकन हुआ था, तो क्या उस दिन जो भी लोग आए थे उस सारे लोग 24 अक्टूबर के दिन वोट में तब्दील हो पाएंगे? हमारे नामांकन के दिन 1000 जनता हमारे साथ गई थी, वो सारे जनता हमारे वोटर हैं, वो सारे लोग हमारे साथ हैं, वो आज भी हमारे खेड़ाई गाँव में जनसंपर्क कर रहे थे। इसमें 250 आदमी के संख्या में आज जनसंपर्क किए अपने कहाँ गांव में, इसे जनता हमारे जितना भी साथ जनता है वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले मुखिया इनको ही रखना है, पहले मुखिया थे बहुत काम किए हैं, इनको भी मुखिया फिर से बनाना है। तो उस जो आप रैली आज निकाले थे, अपने जनसंपर्क रैली जो निकाले थे, डोर टू डोर जाके लोगों से मिले थे, उसको अपने वीडियो में हम दिखाएंगे आगे हमारे चैनल के माध्यम से, अपने खेड़ाई पंचायत की समस्त सामान्य जनता से क्या अपील कीजिएगा 24 अक्टूबर को जो वोटिंग है उसको लेकर? 24 अक्टूबर का जो वोटिंग है, जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जनता हमको फिर 5 साल के लिए समय हमको दीजिए और जो बाकी काम है अधूरा काम है उसको हम मैं पूरा करूँगा, अपने खेड़ाई पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। तो
वो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी खेराई पंचायत के जो 5 साल तक मुखिया रह चुके और लोगों की सेवा कर चुके उद्धव यादव जी, हालांकि इस बार मुखिया प्रत्याशी बन चुके हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इनका साफ कहना है कि मेरी तो प्राथमिकता विकास ही रहेगी, भले लोग कुछ और मुद्दा लेकर चले, लोग जनता को लोभ लालच में फंसाने की कोशिश करें, लेकिन जनता फंसने वाली है नहीं, जनता शिक्षित और समझदार हो चुकी है और जनता को पता है कि कौन मेरे हक को दिला सकता है, कौन मेरे आवाज़ को उठा सकता है, कौन सरकार की योजनाओं को बिना कमीशन के ईमानदारी पूर्वक हम तक पहुँचा सकता है। और जनता तय कर चुकी है कि फिर से इस बार उद्धव ही आएंगे, क्योंकि जो 1000 से ज़्यादा लोग उस दिन रैली में जो शामिल हुए थे नॉमिनेशन के दिन, वो सारे लोग इनका कोर वोटर हैं और वो लोग 24 तारीख के इंतजार कर रहे हैं कि 24 तारीख जिस दिन आएगा उस दिन बहुमूल्य और कीमती वोट अपना उद्धव के लिए डालेंगे और फिर से खेराई पंचायत का भविष्य 5 सालों के लिए उद्धव के हाथों में हम लोग सौंपेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुँचाते रहेंगे और 26 अक्टूबर के दिन सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि खेराई पंचायत का भविष्य 5 सालों के लिए किसके हाथों में जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।